अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बिना सोडा, बिना दही और बिना खमीर उठाए परफेक्ट हलवाई स्टाइल में जलेबी बनाने का सबसे आसान तरीका शेयर करूंगी। ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से और यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया बनकर के तैयार होती हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इनको कैसे बनाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। अब सबसे पहले हम जलेबी के लिए चाशनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने फ्राई पैन लिया है। अब इसमें एक प्याली शक्कर डालेंगे। अब इसी प्याली से नाप के इसमें आधी प्याली पानी डालेंगे। अब गैस को ऑन कर देंगे। अब शक्कर के अच्छे से मेल्ट होने तक इसको बराबर से चलाते हुए पकाएंगे। अगर हम इसको चलाएंगे नहीं तो शक्कर तले में चिपक सकती है। इसमें शक्कर भी देखिए अच्छे से मेल्ट हो गई है और चाशनी में भी उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। अभी इसको हाई फ्लेम पे करीब 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। अब इसमें फ्लेवर के लिए 2 से 3 इलायची लेंगे। इनको कूट करके इसमें डाल देंगे। अब इसमें अपनी पसंद के हिसाब से ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। चाशनी में उबाल आने के बाद भी इसको हाई फ्लेम पे पकते हुए करीब 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये चाशनी भी देखिए हल्की सी गाढ़ी हो गई है। हमें इसको ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, हल्का सा चिपचिपा होने तक ही पकाएंगे। अब गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें नींबू का रस डालने से क्या है चाशनी ठंडी होने के बाद जमेगी नहीं। अब इसको ढक करके साइड में रख देंगे। अब जलेबी के लिए घोल रेडी करेंगे। इसके लिए इस तरीके से कोई भी एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे। अभी मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसको छन्नी से छान लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। अब ये आधा नींबू लिया है, इसको भी इसी में निचोड़ देंगे। अब इसमें खमीर उठाने के लिए इनो का पाउच लिया है। इसे देखिए इस तरीके से 2 चुटकी भर के इनो इसमें डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें इनो ज्यादा नहीं डालेंगे, अगर इसमें इनो ज्यादा डाल देंगे तो जलेबी बहुत ज्यादा फूल जाएंगी। अभी मैंने 1 कप पानी लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें पूरा 1 कप पानी डाल दिया है। अब इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको जलेबी बनाने की एक खास ट्रिक बता देती हूँ। जितना हम मैदा लेंगे उतना ही पानी लेंगे, मैदे की भी पानी की क्वांटिटी बिल्कुल सेम रखेंगे। अब इसको देखिए इस तरीके से अच्छे से फेंटेंगे। अब इसको हम छन्नी से छान लेंगे, जिससे क्या है इसके लम्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो इसको मिक्सी में भी चला सकते हो। अब जलेबी बनाने के लिए तई ली है। अगर आपके पास इस तरीके की तई नहीं हो तो आप कोई भी चौड़ी सी कढ़ाई या फिर कोई भी चौड़ा सा फ्राई पैन ले लें। अब इसमें अपनी पसंद के हिसाब से घी ऑयल डालेंगे, मैंने देसी घी लिया है। अब गैस को ऑन कर देंगे। अब जलेबी को तलने के लिए घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, हमें इतना ही गाढ़ा बैटर चाहिए। अब इसमें भी थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, कलर को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें से कलर को स्किप कर सकते हो,
लेकिन मैंने इसके कलर को अच्छा दिखने की वजह से इसमें कलर ऐड किया है। अब जलेबी बनाने के लिए पाइपिंग बैग लिया है। अगर आपके पास इस तरीके का पाइपिंग बैग नहीं हो तो आप कोई भी प्लेन सी पॉलीथीन ले लें या फिर आप कोई भी बोतल ले लें। अब इसको गिलास में इस तरीके से जमा देंगे। अब इसे वेटर को डाल देंगे। अब इसको किसी भी धागे से फिर रबर से ऊपर से बांध देंगे। अब इसको ऊपर से देखिए इस तरीके से थोड़ा सा कट कर देंगे। अब मेरे पास ये सॉस की बोतल है। अब इस बचे हुए बैटर को इसमें भर देंगे। घी भी देखिए अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें जलेबी बनाएंगे। इनको इस साइड से सिकते हुए करीब 30 से 40 सेकंड हो गए हैं। अब इनको पलट देंगे। इनको इसी तरीके से पलटते हुए दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। ये जलेबी देखिए दोनों साइड से अच्छे से सिक गई हैं। अब इनको निकाल लेंगे। अब गरम गरम जलेबी को चाशनी में डाल देंगे। इनको चाशनी में अच्छे से डिप कर देंगे। इनको डिप करने के बाद करीब 1.5 से 2 मिनट इसी चाशनी में रहने देंगे, जिससे क्या है चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। इनको 2 मिनट के बाद चाशनी में से निकाल करके चन्नी में रख देंगे, जिससे क्या है इनकी एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाएगी। अब जलेबी बनाने का मैं आपके साथ एक तरीका और शेयर करूंगी। इस तरीके से कोई भी झजरी लेंगे, इसको घी में डिप करेंगे। अब इसे बैटर को देखिए इस तरीके से डालेंगे। अब इसको हल्का सा सिकने देंगे, उसके बाद इसको घी में छोड़ देंगे। ये तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें फर्स्ट टाइम में जलेबी बनाने में थोड़ी परेशानी आती है। जलेबी बनाने के मैंने आपको 2 से 3 तरीके बता दिए हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी तरीके से इनको बना लें। ये जलेबी भी देखिए सिक गई हैं। अब इनको भी निकाल लेंगे। ये पूरे घोल की जलेबी बना ली हैं। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अब इन पे गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी बादाम की कटिंग डालेंगे। अब मैं आपको चेक करके दिखाना चाहूंगी। ये देखा आपने कितनी बड़ी एकदम कुरकुरी हमारी जलेबी बनी है। चाशनी भी इनके अंदर तक अच्छे से चली गई है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। बाय, अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।